एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज सर्वा सरोज। आज है 18 फरवरी 2022 और हमेशा की तरह हम डेली करंट अफेयर्स में आज देखेंगे 18 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। मैं हूं शिल्पा, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो शरद सर ने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, वो क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन था वो ये था कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट उलर लेक इज लोकेटेड। तो उलर लेक जो है बहुत ही फेमस लेक है, तो कहाँ पे है ये लेक, ये क्वेश्चन में था। ऑप्शन दिया था आपको राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बारे में बता दूंगा आपको उलर लेक का, तो ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे एशिया में, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। अब ये है कहाँ पे, तो ये बंदीपुरा, ठीक है, बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के, वहां पे ये लोकेटेड है। अच्छा, ये मेन सोर्स क्या है, इस उलर लेक का मेन सोर्स कौन सा रिवर है, तो याद रखिएगा जेलम, ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे। चलिए बढ़ेंगे, आप इतनी फैक्ट थी, इतनी जानने की आपकी जरूरत थी, चलिए बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हुंडई मोटर। देखिए, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड तो कार की कंपनी है, तो ये इसने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसको नियुक्त किया है ये क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अदिति अशोक। ये है अदिति अशोक, इनको जो है अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर HMIL का, यानी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात करें कि अदिति अशोक की, तो ये जो है ये इंडियन गोल्फर है। क्या है? इंडियन गोल्फर। ओके, और इनको जो बनाया गया है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बनाया गया है इनका ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो है इंडियन गोल्फर रह चुकी है और इनको 2020 में अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है, ये अर्जुना अवार्डी है। ओके, याद रहेगा। तो इनको जो है इनको बनाया गया है। अब क्यों बनाया गया है, तो देखिए पहली बात तो ये कि ये जो HMIL हुंडई मोटर है, तो ये जो है एक कार मेकिंग कंपनी है, इसने इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि एक यूथ को इंस्पायर कर सके और उनसे कनेक्टिविटी बन सके, यंग इंडिया से कनेक्टिविटी बन सके, इसलिए अदिति अशोक को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ेंगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिसेंटली ऑन विच रिवर उड़ीसा लॉन्गेस्ट ब्रिज इनॉग्रेटेड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक रिसेंटली में ही अभी रिवर रिसेंटली में ही कौन से रिवर पर उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है, मतलब उसका शिलान्यास रखा गया है, इसको ओपनिंग किया गया है एक तरीके से, ये समझिए। तो ये हुआ है महानदी रिवर पे। ये जो उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये इनॉग्रेट हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, तो गोपीनाथ, याद रखिएगा गोपीनाथपुर, गोपीनाथपुर कटक में है उड़ीसा, ठीक, कटक कहाँ है, उड़ीसा में, गोपीनाथपुर कटक में है। तो यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा किया गया, CM जो है उड़ीसा के, वो कौन है, नवीन पटनायक जी, इनके द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो ये ब्रिज जो है ये किसको कनेक्ट कर रही है, ये बदामा नरसिंहपुर टू बदेश्वर और बंकी, यहाँ से इसको कनेक्ट कर रही है, और ये जो है 5 लाख पीपल्स को बेनिफिट करेगी, और उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट जो टूरिज्म का होगा, एग्रीकल्चर का होगा, कॉमर्स का होगा, इस रीजन में पर्टिकुलर उसको ये बढ़ावा देगी। ओके, और यहाँ से क्या जान सकते हैं कि भाई ये जो ब्रिज आप देख पा रहे हो ये टी शेप का है, इसीलिए इसका नाम जो है टी सेतु ब्रिज यहाँ पे है। तो इस ब्रिज का जो शेप है वो कैसा है, टी शेप का, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना टी, इस शेप का ये ब्रिज है, देख पा रहे हो आप। तो और इसमें लागत कितनी लगी है, तो पूरा 110 करोड़ का लागत लगा है इसको बनने में, ठीक है, और ये किस रिवर में बना, महानदी। तो ये याद रखिएगा, इतना फैक्ट इसमें जानने जरूरी था आपके लिए। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया विल बी बिल्ड इन विच स्टेट। देखिए, द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क जो भारत का बन रहा है वो कहाँ पे बनना शुरू हुआ है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लम्हेता। ओके, लम्हेता जो है गाँव है जबलपुर में मध्य प्रदेश की। तो ये यहाँ पे जो है सबसे पहला जियोलॉजिकल पार्क इंडिया का बनने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश, याद रखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ से बेसिक फैक्ट आपको जानने को क्या मिल जाएगा कि ये जो पार्क है इसको अप्रूवल किसके द्वारा मिला कि भाई हाँ ठीक है बना लिया जाए पार्क, तो ये जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो अप्रूवल है वो मिल गया है, इसके द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI। ओके, कौन, GSI। अच्छा, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें किसके अंडर में आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंडर में आता है ये। ओके, अब बात करेंगे कि कितने लागत के रुपए से ये पार्क जो है पूरा बन रहा है, तो 35 करोड़ रुपए लग के ये पूरा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके कंस्ट्रक्शन में। ओके, अब बात करेंगे यूनेस्को, यूनेस्को ने जो क्या किया है, यूनेस्को ने ये लम्हेता, ये जो लम्हेता गाँव है इसको जो है रिकग्नाइज किया है एज अ जियो हेरिटेज साइट।
ओके तो बहुत बड़ी बात है इसको ये अचीवमेंट मिलना कि ये लम्हेता जो गांव है इसको रिकॉग्नाइज किया गया एक जियो हेरिटेज साइट के तौर पे, बहुत बड़ी बात है ये। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको ये बता दूं कि 1928 में क्या हुआ था कि विलियम हैरी स्लीमैन है, ठीक है, कौन, विलियम हैरी स्लीमैन, ओके, इन्होंने क्या किया, विलियम हैरी स्लीमैन ने क्या किया, यहाँ पर डिस्कवर किया था क्या, डायनासोर फॉसिल, डायनासोर फॉसिल यहाँ पर डिस्कवर किया था इस एरिया में, इसलिए जो है इसको लम्हेता गांव को हेरिटेज, जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अब बात करेंगे जीएसआई यानी जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड कब किया गया, तो 1851 में इसको फाउंड किया गया था और ये जो है एक ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड वाइड, और क्या है, साथ ही साथ ये सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया भी है। पहला कौन है, पहला सर्वे ऑफ इंडिया यानी एसआई, सर्वे ऑफ इंडिया, एसओआई, ओके, सर्वे ऑफ इंडिया। बढ़ेंगे, इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूनियन मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल अनवील वाटर टैक्सी सर्विस इन विच स्टेट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर है शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, सर्वानंद सोनोवाल, तो इन्होंने क्या किया, वाटर टैक्सी सर्विस अनवील किया है, मतलब यहाँ पे ओपन किया है, किस स्टेट में यहाँ पे चालू किया गया है, तो महाराष्ट्र में हुआ है ये, ओके, तो किन, और सीएम जो है यहाँ के यानी महाराष्ट्र के सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी, ठीक, उद्धव ठाकरे जी जो है ये इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, और जो ये सर्वानंद सोनोवाल जी हैं इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है वाटर टैक्सी सर्विसेज को, ओके, यहाँ से जानने को आपको ये चीज मिलती है। और क्या जान सकते हैं यहाँ से, देखिए ये जो आपका वाटर टैक्सी सर्विस है ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक, तो ये नवी मुंबई एरिया से लेके ये जो है मेन लैंड मुंबई तक जाएगी, ओके, याद रखिएगा मेन लैंड मुंबई तक ये जाएगी। अच्छा, इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नीति आयोग विथ होम टू लॉन्च फिनटेक ओपन, तो नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर फिनटेक ओपन को लॉन्च किया है, तो देखिए नीति आयोग को जानते हैं आप, एक एडवाइजरी बॉडी है नीति आयोग, और इसने जो है फोन पे के साथ मिलकर फिनटेक ओपन लॉन्च किया है। अब थोड़ा फोन पे के बारे में आपको मैं बता दूं, देखिए फोन पे की बात करें तो फोन पे जो है इंडियन डिजिटल पेमेंट है और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, बेंगलुरु कर्नाटक में है। और फोन पे जो है कब फाउंड किया गया है, 2015 में फाउंड किया गया था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। किनके द्वारा किया गया था, तो समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर के द्वारा, तीन लोगों के द्वारा ये जो है फाउंड किया गया था। तो ये जो फोन पे ऐप है ये किस पे बेस्ड है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे ये डिपेंड करता है, ओके, इस पे बेस्ड करता है। अच्छा, इतनी जानकारी आपको मिलती है। और यहाँ का सीईओ कौन है, समीर निगम सीईओ है, कौन है, समीर निगम, ओके, इतना जानकारी आपको उससे मिलता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच बैंक बैक्स 3 बैंकिंग टेक अवार्ड, तो किस बैंक ने 3 बैंकिंग टेक अवार्ड अपने नाम कर लिया, तो वो है कर्नाटक बैंक, कौन है, कर्नाटक बैंक। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कर्नाटक बैंक के बारे में, तो ये कर्नाटक बैंक जो है वो इंडिया का 12 लार्जेस्ट ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ओके, और ये जो है ए क्लास शेड्यूल में कॉमर्शियल बैंक में इसका नाम दर्ज है, जो कि कहाँ पे है, मंगलुरु में, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मंगलुरु कर्नाटक, ओके, ठीक है। देखिए इसकी बात करें तो इसका जो नेट इनकम है वो कुछ 64 मिलियन यूएस डॉलर इसका पड़ जाएगा। चलिए इतनी जानकारी हमें से मिलती है। बढ़ते हैं आए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड ऑपरेशन परिवर्तन टू एलिमिनेट कैनाबिस कल्टीवेशन। देखिए यहाँ पे कैनाबिस कल्टीवेशन ग्रो किया जा रहा था तो उसको एक दिन तरीके से एलिमिनेट करना है, मतलब उसको हटाना है बिल्कुल जड़ से, तो इसलिए जो है यहाँ पे किस स्टेट में ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिएगा इसको आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया, ओके। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, कैनाबिस है क्या, ये जो कैनाबिस देख रहे हो आप ये है क्या। देखिए कैनाबिस जो है इसको मरीजुआना भी बोलते हैं, कैनाबिस नहीं सुना होगा तो आपने मरीजुआना तो बेसिकली सुना ही होगा, तो मरीजुआना जो है इसी को बोलते हैं कैनाबिस को, और इसका अदर नेम है। तो ये है क्या, ये साइको एक्टिव ड्रग है जो कैनाबिस प्लांट से हमें मिलता है, और ये नेटिव है ये सेंट्रल एशिया का, ठीक है, सेंट्रल और साउथ एशिया का ये नेटिव है ये प्लांट। देखिए ये प्लांट की बात करें तो ये एक ड्रग के तरीके से यूज किया जाता है, तो रिक्रिएशनल और एंथोजेनिक पर्पज से भी इसको यूज किया जाता है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे यूज किया जा रहा है बहुत पहले से, तो बहुत सेंचुरी से इसको यूज किया जा रहा है। तो ये जो एक देखिए टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल करके एक मेन साइकोएक्टिव कंपोनेंट होता है कैनाबिस में, जिसको 483 नोन कंपाउंड का एक वन कंपोनेंट माना जाता है, तो वही इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसको बहुत पर्पस के तौर पे यूज किया जाता है। तो कैनाबिस जो है वो मोस्टली जो है स्मोकिंग वेपराइजिंग विद फूड एंड और तरीके से एक्सट्रक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको जो है एक तरीके से पूरा एलिमिनेट कर देना है इसको, यहाँ कैनाबिस कल्टिवेशन हो ही ना पाए, तो जब होगा ही नहीं तो फिर बिकेगा ही नहीं, है ना।
तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रिसेंटली एक मिनट होल्ड ऑन, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश लिखा है ना, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हम क्या जानकारी ले सकते हैं? देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें, देखिए हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्या फैक्ट हम जान सकते हैं? देखिए आंध्र प्रदेश जो है साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन है इंडिया का और 7th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज देखें तो। और यहाँ की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल जो है वो अमरावती है। क्या है? अमरावती। ओके, गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र, चीफ मिनिस्टर जानते हो आप वाइस जगन मोहन रेड्डी। ओके, बहुत यंग है ये, देख पाओगे आप। ओके, ये कब फाउंड हुआ आंध्र प्रदेश? तो 1 नवंबर 1956। तो आपको एक चीज बता दूं कि आंध्र प्रदेश जो है ये एक लिंग्विस्टिक स्टेट है। ओके, मतलब आंध्र प्रदेश जो है एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, इसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना देना, ये मतलब। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। रिसेंटली द एमडी सीईओ ऑफ विच बैंक हैज बीन चूजन फॉर बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ ईयर 2021। यहाँ पे जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ ईयर 2021 के लिए किसको चूज किया गया है? एमडी सीईओ ऑफ विच बैंक, किस बैंक के लिए चूज किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक को चूज किया गया है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रिसेंटली हु हैज बिकम द को चेयर ऑफ फिक्की मीडिया एंटरटेनमेंट। देखिए यहाँ पे किसको को चेयर किया गया है फिक्की मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति देशपांडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट क्या है जाने के लिए, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इनको जो है ये पहले RIL को ज्वाइन की थी, इसको ज्वाइन करने से पहले ज्योति देशपांडे जो है वो एक ग्रुप CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं ईरोज इंटरनेशनल की। सोच रहे हैं बहुत बड़ी संस्था है ये ईरोज इंटरनेशनल, इसकी ये ग्रुप CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। और इन्होंने जो है अपना 10 साल से भी ज्यादा इन्होंने इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ताकि ईरोज का ग्रोथ हो सके। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस स्ट्रेटजी का वो इन्होंने लिया है और काफी अच्छा इन्होंने रोल प्ले किया है। ओके, तो इतना जाने की जरूरत थी आपको। फिक्की मीडिया एंटरटेनमेंट का कोचेयर कौन कर रहा है? ज्योति देशपांडे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट साउथ एशियन क्रॉस कंट्रीज चैंपियनशिप एंड 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। देखिए यहाँ पे यहाँ पे दो बार हो गया, तो कह रहा है कि यहाँ पे किस स्टेट में साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होने वाला है? तो ये भाई नागालैंड में होने वाला है, 2022 में होगा ये। तो नागालैंड से रिलेटेड क्या आपको बता दूं कि देखिए नागालैंड की बात करें तो एक माउंटेनियस स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि जैसे ये हमारा भारत है, जैसे आप ये देख पा रहे हो, तो जो इधर की कंट्रीज होती है ना, ईस्ट ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब ये जो पूरे कंट्रीज है आपके नॉर्थ ईस्टर्न हो जाएंगे। तो यहाँ के जितने भी कंट्रीज आएंगे वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज कहे जाएंगे। ओके, ये जाना जरूरी था आपके लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि नागालैंड की बात हम कर रहे थे, तो एक माउंटेनियस स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, याद रखिएगा। और बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स आते हैं, यहाँ पे मतलब डाइवर्स इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, ये होम है मतलब ट्राइबल्स का एक तरीके से ये देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो यहाँ का कैपिटल क्या है? तो यहाँ का कैपिटल जो है वो है कोहिमा। ओके, कोहिमा याद रखिएगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल रट लीजिए बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बेसिक फैक्ट इसलिए बताती हूँ आपको कि इससे रिलेटेड आप जितना क्वेश्चन आप कवर कर पाओ बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और ताकि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब आप इतना सारा एक चीज से आप हजार चीज पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा तो ये भी तैयार है, मेरा तो ये भी तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एग्जाम में बहुत ही मजा आने वाला है। तो सीएम की बात करें तो नागालैंड का सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो। ओके, नेफ्यू रियो यहाँ का सीएम है। ऑफिशियल वर्ड याद रखिएगा ब्लिथ ट्रैगोपन, यहाँ का जो ऑफिशियल वर्ड है वो ये है। और कब फाउंड किया था? 1963 में ये फाउंड किया गया था। इतने रिलेटेड जानकारी हमको इससे मिलती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जाते जाते आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देते जाऊं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो भैया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या फिर कोई भी नहीं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ओके, चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो सुरेश सर के द्वारा होगी, आज का वीडियो मेरे द्वारा हुई थी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।